हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे, रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे, मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे, जनरल साइंस दोपहर 12 बजे, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेली मंडे टू सैटरडे आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्लास होती है, तो जिसमें हम 10 कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखते हैं, साथ में करंट अफेयर के साथ में जीके को भी इम्प्रूव करते हैं और इसी तरीके से अपने प्रिपरेशन को शार्प करते हैं। तो आइए, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको दिए थे और कल दिए थे, और उम्मीद है कि आपने उनको ट्राई किया होगा और सही भी किया होगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन यूनिवर्सिटी शेयर विजन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्क। तो साउथ ईस्ट एशिया की मैंने बात करी थी आपसे कि उसकी हिस्ट्री के बारे में, कि दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो पाकिस्तान से तो कौन सी थी, लाहौर यूनिवर्सिटी थी, और इंडिया से कौन सी थी, इंडिया से थी जिंदल, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। तो दोनों ने मिलके साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर, मतलब साउथ एशियन, साउथ ईस्ट तो नहीं बोलेंगे, हालांकि साउथ एशियन ही बोलेंगे, तो इंडिया और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर उन्होंने काम किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो कि थोड़ी नई हुई है और आप इसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि पालखंड गैप पास इज सिचुएटेड एट। तो ये पालखंड गैप कहाँ पर स्थित है, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये केरला के अंदर है, तो आपका आंसर यहाँ पे डी यानी कि केरला सही होगा। अगला है, HI के प्रेसिडेंट, हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन है, तो ये राजेंद्र सिंह है जो कि हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट है, तो आपका आंसर यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि मार्टिडोम डे कौन सा दिवस है जो कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मैंने आपको समझाया था कि कई सारे इंपॉर्टेंट डे है जो कि भारत में शहीद दिवस के तौर पर मनाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आपका डी, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों ही कौन से हैं, शहीद दिवस हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रह्मो समाज का गठन किसने किया था, तो ब्रह्मो समाज का जो गठन है वो राजा राम मोहन रॉय ने किया था, और कल इसके ऊपर थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन भी था, तो देखिए राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने इसको संभाला था ब्रह्मो समाज को, ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने वो स्कूल के, मैंने आपको बताया था ना, एक कॉलेज जो संस्था थी ब्रह्मो समाज संस्था, उसका उन्होंने सेटअप किया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कल का इतिहास था। तो ये आपके 5 क्वेश्चन है जो कि कल के थे, उम्मीद है आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कोड ऑफ द डे से। तो आपके सामने सबसे पहले कोड है जो कि आज का है, देखते हैं। इन लाइफ नोबडी एंड नथिंग विल हेल्प यू अनटिल यू स्टार्ट हेल्पिंग योरसेल्फ। तो एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बात है जीवन में जो कि आप सभी ने अभी तक विटनेस कर ली होगी, अगर तक नहीं करी है तो आने वाले जीवन में ज़रूर करेंगे, क्योंकि इन लाइफ नोबडी एंड नथिंग विल हेल्प यू। जब तक आप अपनी मदद नहीं करेंगे, खुद स्टैंड नहीं लेंगे आपको करियर में क्या बनना है, तब तक ना तो कोई मदद करेगा ना ही कोई आ सकता है आपको आगे लेके जाने के लिए। सबसे पहले और सबसे आखिरी पर्सन जो कि आपके करियर में आगे लेके जाएंगे आपको, वो आप खुद हैं जो जिसको स्टैंड लेना पड़ेगा। तो आपको चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी टाइम पे हो, सबसे पहला काम आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, उसके बाद ही दुनिया आपके लिए स्टैंड लेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, फर्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पेज की तरफ, जो फर्स्ट पेज आज का है, तो अब इसके अंदर क्या है कि जो बातें हैं वो दो तीन चीज़ें हैं जो कि आज के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि सबसे पहले तो कांग्रेस और JD की बात कही गई है यहाँ पे, कि वो आज डील है जो कि फाइनलाइज करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे PM मोदी रशिया जाके आए हैं, तो इनके बीच में कोई ज़्यादा खास बात तो नहीं हुई है जो कि हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कुछ खास तो नहीं हुआ है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है एक तो ये निफा वायरस, ये हमने कल भी बात बारे में, एक दो दिन पहले भी बात करी थी। इसके अलावा वापस लौट गई है हमारी जो वेसल से, तारिनी वेसल से, 5-6 जो वुमेन गई थी ना अराउंड द ग्लोब जो सरकम नेविगेशन करने के लिए, तो वापस लौट आई है 254 डेज की जर्नी के बाद में। तो ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमने अपनी डिफेंस मिनिस्टर सीतारमन जी है वो भी इनको यहाँ पे लेने के लिए गई थी। ठीक है, एक यहाँ पे छोटी सी न्यूज़ है अरुणाचल प्रदेश से, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये तीन देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले कौन सी है, ऊपर वाली देख लेते हैं, छोटी वाली। अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहला कमर्शियल एविएशन वो बन गया है, यहाँ पे एयरपोर्ट बन गया है। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि पहले अगर आपको जाना होता था अरुणाचल तो आप आसाम जाओ और आसाम से फिर अरुणाचल जाओ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर अब आपको जाना है तो डायरेक्टली भी आप अरुणाचल की भी फ्लाइट ले सकते हैं कोलकाता से या फिर गुवाहाटी से। ठीक है, 66 साल पहले यहाँ पे वॉर टाइम के, ठीक है, वॉर टाइम के टाइम पे एक एयर स्ट्रिप लगाई गई थी अपने जो फोर्सेज है एयरफोर्स उसकी मदद करने के लिए,
और अब उसी को कन्वर्ट करके क्या बना दिया गया है, लास्ट एक स्टेट है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, ये जो अपने राज्य है ना, ये इनमें लास्ट एक अरुणाचल प्रदेश ही बचा था जहाँ पे कोई भी कमर्शियल एयरलाइंस नहीं जा रहे थे। तो अब ये जो है यहाँ पे एयरपोर्ट कौन सा है, पासीघाट नाम से है, पासीघाट एयरपोर्ट यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 87 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ईटानगर इसकी राजधानी है। अरुणाचल के जो CM है वो ही फ्लाइट में बैठ के गए थे खुद ही कोलकाता से, पेमा खांडू जी उनका नाम है, और साथ में यहाँ पे गवर्नर कौन है, BD मिश्रा जी है। चलिए ये देख सकते हैं आप यहाँ पर है पासीघाट अरुणाचल प्रदेश के मैप में, ये जो लोकेशन है ये पासीघाट एयरपोर्ट है जहाँ पे डायरेक्टली फ्लाइट मिल सकती है। चलिए अगला चलते हैं, अगला यहाँ पे केरला के अंदर एक दो केस और मिल गए हैं, थर्ड मेजर आउटब्रेक इन इंडिया, दो केस तो थे, तीसरा केस भी मिल गया है निफा वायरस का। तो ये बहुत ज़्यादा डेडली मतलब एक डिजीज़ है जो कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और हमें हमारे यहाँ पे भी केरला के अंदर इसके बारे में पता चला है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है इंडिया के लिए, जल्दी इसका सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। तो अगर मैं इस वायरस के बारे में बात करूँ, निफा वायरस के बारे में बात करूँ, और कोई वैक्सीनेशन तो इसकी है नहीं, ठीक है, चार लोगों को ये केरला में हो ही चुका है, अब ये डेंजर है कि ये और फैल ना जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए निफा वायरस क्या है, एक पैरामॉक्सी वायरस है जो कि आइडेंटिफाई कर, जो कि सबसे पहले कहाँ पे, मलेशिया में इसके बारे में पता लगा था 1998 के अंदर। ठीक है, और अभी तक मलेशिया के अंदर 250 लोगों के मिल चुके हैं इस वायरस से। सबसे पहले ये जो होता है ना वायरस, वो होता कैसे है कि जो बैट होते हैं ना, जो चमगादड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर किसी फ्रूट को खाते हैं और वो फ्रूट अगर गलती से ह्यूमन के अंदर चले जाए, ह्यूमन उसको खा ले, तो उससे इसका कंटेमिनेशन बढ़ जाता है मेजरली, और पर्सन से पर्सन ट्रांसमिशन तो उसका होता ही है। और एक होते हैं फ्रूट बैट्स, ठीक है, एक होते हैं फ्रूट बैट्स, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होते हैं फ्रूट बैट्स, ठीक है, ये एक प्रजाति होती है बैट्स की। तो ये जो होते हैं फ्रूट बैट, इनके द्वारा ये नेचुरल ट्रांसमिशन जो हुआ है ना, इसके द्वारा। इसके अलावा अगर मैं बांग्लादेश में बात करूँ और जगह पर बात करूँ, तो यहाँ पे पिक के वजह से भी हुआ है। पिक क्या है, इंटरमीडिएट है, यानी कि जो ये नेफा फ्रूट ये बैट है ना, ये चला गया पिक से पिग में, और पिक से चला गया ह्यूमन के अंदर। इस तरीके के भी मलेशिया के अंदर, सिंगापुर में, बांग्लादेश में यहाँ पे केसेस मिले हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं जो कि आपके पेपर में बहुत काम आएगी, और इस तरीके का ये केस है। तो उम्मीद है आप पूरी चीज़ें समझ गए होंगे। अभी तक बात करें तो 600 केस 1998 से लेकर 2015 तक 600 केस हैं जो कि रिपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, बांग्लादेश और ईस्टर्न इंडिया के अंदर भी हो ही चुके हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। कोई वैक्सीनेशन है भी यहाँ की है नहीं, साथ में एक एलिसा टेस्ट होता है जो इसके लिए अभी करते हैं, इसको डिटेक्ट करने के लिए एलिसा टेस्ट वही टेस्ट है जो कि एड्स के वो पता करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि आप कोई भी फ्रूट खाएं तो बड़े उसको धो के अच्छे तरीके से खाएं, हैंड वॉश करें खाना खाने से पहले ताकि ट्रांसमिशन ना हो, और अगर कोई भी इन्फेक्ट लगता है, अगर किसी के भी ये सिम्टम्स है, हेडेक होना, वॉमिटिंग, डिजीनेस, ये सब कुछ भी होता है, तो उस टाइम कोमा में चले जाना, तो उस टाइम पे प्रॉपर पूरे मेजर देखें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा ये है कि 254 डेज के बाद में वापस आ गई हैं हमारी जो इंडियन नेवी के जो ऑफिसर्स हैं, और इस ऑपरेशन का नाम था नाविका सागर परिक्रमा। तो ये सारी न्यूज़ हम कवर कर चुके हैं पहले, वापस से रिपीट हुई है आज के पेपर के अंदर और हमारे लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं हमेशा इस तरीके से कवर करने की कोशिश करता हूँ कि अगर पहले के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे ना, तब भी आज अगर से आप देखो तब भी आपको बिल्कुल सब कुछ पता चले जो कि कल देश में हुआ है या फिर भारत में हुआ है। और जिन लोगों ने पहले के वीडियोस देखे हैं उनका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, तो पेपर में सवाल गलत होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा आपका। तो इसका ऑपरेशन का नाम था नाविका सागर परिक्रमा, और ये पहला सरकम नेविगेशन, यानी कि ये देख सकते हैं ना मैप, इस तरीके से पूरा का पूरे अर्थ का चक्कर लगा के आई, और पहला एशियन वुमेन के द्वारा अटैम्प्ट किया गया था ये। ठीक है, तो गोवा में सितंबर से चली थी है और अभी जाके वापस से आई हैं। और ठीक है, 5 इसके अंदर लेग्स थे, यानी कि स्टेप ओवर्स इन पूरे के पूरे यहाँ पे, यानी कि 5 स्टॉप थे, आप देख सकते हैं ना, 3 और 2 5। ओके, इस तरीके से क्रू के अंदर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे क्रू के मेंबर के बारे में भी लिखा हुआ है। एक जगह पे इनको एक्स्ट्रा भी रुकना पड़ा था क्योंकि इनके बोट में थोड़ी कुछ दिक्कत आ गई थी। तो ये कौन से वैसल से गई थी, INSV तारिणी से गई थी, जो कि एक्वा शिपयार्ड गोवा के में बनाया गया है, और सारी की सारी फैसिलिटीज़ है इसके अंदर, RO है, सुपर विंड है, इमरजेंसी रेडियो है, ठीक है, VHF रेडियो, यानी कि विंड जनरेटर है, पावर है। तो अच्छी तरीके से एक पूरा इक्विपमेंट के साथ में इनको दिया गया था क्योंकि बहुत ज़रूरी था। तो नाविका सागर परिक्रमा की बात करें तो भारतीय नौसेना अधिकारियों द्वारा INSV तारिणी पर दुनिया के सरकम नेविगेशन के लिए अभियान का नाम है।
छह सदस्य अखिल भारतीय टीम इस पहली वैश्विक यात्रा में पूरे ऑपरेशन को घेर लेगी और प्रतिबंध करेगी, ये मैंने आपको बताई दिया। ठीक है, तो ये सब बातें हमने करी ली है। और यहाँ पे अभी प्रधानमंत्री तो गए नहीं, लेकिन जो अपनी डिफेंस मिनिस्टर है वो इनको यहाँ पे लेने के लिए ज़रूर गई थी। और इनको जो ट्रेनिंग दी थी ना, वो एक हमारे पहले देश के जो पहले पर्सन थे जिन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, वो थे कैप्टन दिलीप डोंडे, उन्होंने इनको प्रशिक्षित किया है। तो ये बात भी बड़ी है और ये भी आप ध्यान रखना है। चलिए अगला चलते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ है, वो है एज लिमिट की। पेज नंबर 3 पे असम रिजेस जॉब सीकर्स एज लिमिट। ठीक है, तो जॉब सीकर्स, देखिए सिटीजनशिप बिल के बारे में मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, वैसे जो ये प्रोटेस्ट हो रहा ना, तो इसके बारे में कि भाई मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ लोग जो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं आसाम के अंदर, अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी के, माइनॉरिटी यानी कि पाकिस्तान बांग्लादेश, यहाँ पे कोई हिंदू या फिर कोई बौद्ध जैनी इस धर्म के अगर कोई भी रह रहा है जो माइनॉरिटी है, अगर वो भारत में आके कुछ कई सालों से रह रहा है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाए। इस चीज़ को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है आसाम के अंदर। तो ये रोज़ आती है इसके बारे में न्यूज़, लेकिन मैं रोज़ तो डिस्कस कर नहीं सकता क्योंकि मैं सिंपल सी न्यूज़ है, कई बार हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अगर कुछ भी बड़ा होता है, कोई भी नया इसके ऊपर कुछ भी आता है, तो हम इसको ज़रूर कवर करेंगे। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि ये मैंने कवर नहीं करा है। ओके, अगर कुछ भी अच्छा होता है, नया होता है या कुछ भी इसमें चेंजेस आते हैं, तो हम इसको ज़रूर कवर करेंगे। तो यहाँ पे आसाम के अंदर क्या जो जॉब सीकर्स हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं ना, उनकी 6 साल इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। यानी कि अब 44 ईयर तक वो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। पिछली बार जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको 38 कर दिया था, अभी ठीक है इसको और बढ़ा दिया गया है। ओके, ये है ग्रेड 3rd और ग्रेड 4th की जो नौकरियां हैं उनके लिए है। तो वहाँ के कौन है, सर्बानंद सोनोवाल वहाँ पे सीएम है। तो इस तरीके का वहाँ पे नया काम किया गया है, जो कि आप ध्यान रख सकते हैं। अगला चलते हैं, तो यहाँ पे पेज नंबर 4 की तरफ, यहाँ पे जो न्यूज़ है वो है आपके एक सोशल न्यूज़ है, तो वो मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ। एक्चुअली में एक सोशल न्यूज़ है, पेपर से हमारा रेलिवेंस नहीं है, लेकिन कुछ भी अगर सोसाइटी में अच्छा होता है तो देखिए मेरा फर्ज बनता है आपको बताना, क्योंकि न्यूज़पेपर में, मीडिया में सब आपको हर जगह नेगेटिव न्यूज़ ही देखने को मिलती है। अगर कुछ भी सोसाइटी में, हमारे इंडिया में भी बहुत पॉजिटिव होता है, बस ज़रूरत है कि उस चीज़ों को बताने की और उस चीज़ को आगे लेके जाने की। तो देखिए एक्चुअली में क्या है कि 29 ईयर ओल्ड एक पुलिस कॉन्स्टेबल है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर, तो उनको परमिशन मिल गई है सेक्स चेंज की करवाने की, सेक्स चेंज सर्जरी की। देखिए एक्चुअली में क्या हुआ कि देवेंद्र फडणवीस के जो वहाँ पे उनको लेटर भेजा गया था, कांस्टेबल ललिता है, उन्होंने भेजा था कि उनको कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि वो फीमेल जैसा, ठीक है, और उन्होंने कुछ साल पहले से ही, 4 साल पहले से उनको इस तरीके का वो आ रहा है, मतलब काफ़ी चीज़ें उनके चेंजेस हो रहे हैं। तो 1988 में बॉर्न हुई, और अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने जब इसको टेस्ट करवाया, मेडिकल टेस्ट करवाया, तो वाई क्रोमोसोम उनकी बॉडी के अंदर पाए गए। वाई क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर ही पाए जाते हैं, पता है ना आपको, फीमेल में XX होते हैं और मेल में XY होते हैं। तो ये वाई क्रोमोसोम उनकी बॉडी में मिल गया है, और इसलिए उन्होंने पेटिशन लगाई हाईकोर्ट में, फिर वो उन्होंने परमिशन ली वहाँ से। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दे दी है कि अगर आपको वाकई में ऐसा है तो आप अपना सेक्शंस करवा सकते हैं, यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम फीमेल टू मेल, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ये अच्छी बात है, क्योंकि देखिए राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ सबके पास होना चाहिए। अगर ये इसको प्रूव नहीं करते सोसाइटी के डर से, गवर्नमेंट या कुछ भी ऐसे कि लोग कुछ कहेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे, तो ये बहुत गलत हो जाता। लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया, कोर्ट ने भी अच्छे ऑर्डर दिए, और ये जो चीज़ है वहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया गया, तो इससे एक डिग्निटी जो है किसी की वो मेंटेन रहती है इससे, ठीक है, जिसको जैसे लगता है यू कैन डू दैट। चलिए अगला चलता है पेज नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे भी एक दो न्यूज़ है, एक तो ये वाली न्यूज़ है ऑनलाइन कैटल ट्रेड की, इसके अलावा मैंने एक ये है, ठीक है, ग्रैफिटी नाम से एक वो है, वो उसके बारे में, मतलब यहाँ पे एक रॉक पेंटिंग्स है, ग्रैफिटी तो क्या है, प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स है, उसके बारे में न्यूज़ है। इन दोनों के बारे में जान लेते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले तो अभी तेलंगाना सरकार ने क्या किया था, पिछले साल लॉन्च किया था प्रोजेक्ट, क्या नाम से, ऑनलाइन कैटल ट्रेड नाम से, यानी कि जो कैटल होते हैं ना, जो भेड़ बकरियां होती है, इनको ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो आप, इनकी ऑनलाइन इनको बेच सकते हो, खरीद सकते हो। ये इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि जो फार्मर है, किसान है, उनका टाइम बच सके, पैसा, एनर्जी सब कुछ बच सके, बार बार उनको चक्कर ना लगाना पड़े। लेकिन 1 साल हो गया इस लॉन्च किए हुए, लेकिन अभी तक इसका कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया है, और पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका है ये, क्योंकि ऑब्वियस बात है जब तक किसान, देखिए पहला काम जो होता है ना किसी भी सरकार का, वो स्कीम लॉन्च करना नहीं होना चाहिए, सबसे पहले जो जिस स्कीम से जिन लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है ना, उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। मैंने पूरे देश में मोबाइल बांट दिए, फॉर एग्जाम्पल आईफोन बांट दिए, ठीक है, और हमारे देश के लोगों ने मोबाइल देखे ही नहीं, तो क्या वो आईफोन को यूज़ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि पहले उनको फ़ोन का तो यूज़ करने बताओ कि भाई एक फ़ोन होता है ये जो कि ये काम में आता है, फिर धीरे धीरे अपग्रेड करते करते उन्हें आईफोन पे लेके आओ, या मतलब कोई भी अच्छा क्वालिटी फ़ोन, डजेंट मैटर आईफोन हो या कोई सा भी हो,
वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे भी क्या इन्होंने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया, लेकिन आप पहले फार्मर्स को एजुकेट करना ज़रूरी था, उस चीज़ों को कैंपेनिंग चलानी ज़रूरी थी, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, फ़ायदे नुकसान सब कुछ तो कर दिया, लेकिन कुछ भी इसका हुआ नहीं। तो आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि ऑनलाइन कैटल ट्रेड कौन से स्टेट ने स्टार्ट करी थी, ठीक है। अब उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया है, एक साल हो चुके हैं, फेल हो चुका है पूरा, अब अवेयरनेस स्टार्ट किया है। तो 2014 में फॉर्मेशन हुआ, हैदराबाद इसकी कैपिटल है, ESL नरसिम्हन यहाँ पे और आंध्र प्रदेश के दोनों के गवर्नर है, और यहाँ के CM तो चंद्रशेखर राव आप सभी जानते हैं, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, एक बहुत पुरानी पेंटिंग्स है, पंडावुल गट्टा, ठीक है, पंडावुल गट्टा, ये एक जगह है तेलंगाना के अंदर, मतलब ठीक है। तो अब इस जगह पे क्या है? मतलब आज से 10,000 मतलब आज से मान लीजिए आप 10,000 साल पहले, यानी कि 10,000 से 8,000 BC, AD की बात नहीं कर रहा हूँ, BC की बात कर रहा हूँ, तो आज से इतने साल पहले 10-12,000 साल पहले यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस रॉक के ऊपर बनाए गए थे, देख सकते हो ना आप ये पेंटिंग। तो अब इसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ भी इस चीज़ को लेकर ये न्यूज़ आई है, ठीक है। तो मैं कई सारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है देश में, वैसे प्रीहिस्टोरिक हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स है जो कि तेलंगाना के जयशंकर भूपाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ओके। तो ये काफ़ी टाइम से इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है, तो ये बहुत ही पुराने। तो पेपर में आपसे जो एक सवाल बनता है यहाँ से, वो यही बनता है कि जो प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स है पांडुलो गट्टा, ये कौन से स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखनी है, और इसके अलावा 8th century के इंस्क्रिप्शंस भी जो कि राष्ट्रकूटा पीरियड के टाइम के हैं जो कि यहाँ पे बने हुए हैं, 12th century के जो काकातिया एम्पायर है उसके द्वारा भी बनाए हुए हैं, इस तरीके के काफ़ी हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी कई जगह रॉक पेंटिंग्स आपको पता है ना, भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे भी है, ठीक है। इसके अलावा काकतिया आर्टिस्ट ने भी बनाए थे, महाभारत के बनाए हैं, गणेशा के बनाए हैं, तो उन्होंने काफ़ी पेंटिंग्स बनाई है। तो ये जो पांडावुला गट्टा वाला पूछा जाए तो आपको तेलंगाना ध्यान रखना है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही पेपर में पूछेंगे। अगला है वो पेज नंबर 600 है, यहाँ पे जो न्यूज़ है आपके वो कौन सी है, ये है, हाँ, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक न्यूज़ है यहाँ पे, जो कि CM है अभी UP के। तो इन्होंने एक नया फाउंडेशन, एक कॉलेज बनाया है नया, और एक स्टेडियम का इनॉग्रेशन किया है, कॉलेज और सेंट दोनों एक ही नाम से है, जो जिनका नाम है महंत अवैद्यनाथ। जो ये महंत अवैद्यनाथ जो थे ना, ये कौन थे, गुरु थे किसके, योगी आदित्यनाथ के, तो उनके नाम पे उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। तो ये स्टेडियम आपको ध्यान रखना है, इनके नाम से, और पेपर में जो यूपी के पेपर है ना उनके अंदर ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, बाकी के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 7 की बात करें तो देखिए, एक यहाँ पे एक न्यूज़ है जो कि सोशल न्यूज़ है, हमें सबको पता होना चाहिए कि त्रिपुरा में बहुत बड़ा फ्लड आ चुका है, 3,000 फैमिली है जो कि जिनको अपना घर छोड़ने की ज़रूरत पड़ गई है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी त्रिपुरा में पहुँच चुका है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी यहाँ पे चीज़ें सामान्य होगी और बारिश वहाँ पे कम होगी। यहाँ पे रेस्क्यू भी लगा रखे हैं, सिविल डिफेंस पर्सनल्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं और काफ़ी रेस्क्यू यहाँ पे करे जा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आशा करते हैं जल्दी यहाँ पे सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये जो न्यूज़ है ये भी आपको पता होनी चाहिए कि देश में किस तरीके से कोई भी नेचुरल क्लैमिटी या ट्रेजेडी हो रही है। चलिए अगला देखते हैं, पेज नंबर 9 से, यहाँ पे IPL से न्यूज़ है। अब यहाँ पे क्या है कि एक कंसिस्टेंसी को लेकर बातचीत करी गई है। चेन्नई सुपर किंग एक ऐसी टीम है कि 9 बार लगातार ये प्लेऑफ के अंदर खेली है, तो कंसिस्टेंसी इसकी 100% रही, जितने भी टूर्नामेंट इसने खेले ना सबके अंदर ये प्लेऑफ में, यानी कि सेमीफाइनल में तो पहुंची है जितने भी टूर्नामेंट खेले हैं। तो ये सवाल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है अगर यहाँ पे वो हो गया तो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान रॉयल और जो चेन्नई, ये दोनों ने 9 सेशन ही खेले हैं, मतलब 2018 का इंक्लूड करके, 2 से तो ये निकल गए थे, और जो SRK यानी कि जो सनराइजर्स हैदराबाद है तो 2013 में इंक्लूड करी गई थी। तो सेकंड नंबर पे तो SRH है, हैदराबाद सनराइजर्स है, जो कि 4 बार इस पोजीशन में पहुंच चुकी है। लेकिन चेन्नई देख सकते हैं ना आप, चेन्नई देखिए 100% है इसका प्लेऑफ में खेलने का रिकॉर्ड, ओके। अगला देखते हैं, स्पोर्ट्स से न्यूज़ है, स्पोर्ट्स से नहीं है अभी तो, एक्चुअली पॉलिटिक्स है। जो मादुरो है उन्होंने इलेक्शन जीत लिया है, तो वेनेजुएला के अंदर अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, और अगले छः सालों के लिए जो निकोलस मादुरो है, जो कि किसी टाइम पे वहाँ पे ऑटो टैक्सी ये सब चलाया करते थे, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ी जीत ली है, और देख सकते हैं 67% वोट है जो कि उनको मिले गए हैं, ठीक है। हालांकि कई सारे एलिगेशंस भी लगाए गए हैं, कई सारी चीज़ें भी हुई है, लेकिन पहले किसी टाइम पे बस ड्राइवर थे जिन्होंने शहवाज को रिप्लेस करके,
2013 में वापस से पॉलिटिक्स में आए, फिर उन्हें वापस से चले गए और अब वापस से आ चुके हैं। ठीक है, तो काफ़ी दुनिया के अंदर इस चीज़ को लेकर खबरें हैं, वेस्टर्न सैंक्शंस को लेकर भी हैं कि नए तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज अब काम करेगी इनको सैंक्शंस को लेकर, तो काफ़ी ज़्यादा वोट मिले हैं। तो देखिए, वेनेजुएला के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये देश है वेनेजुएला जिसकी कैपिटल क्या है, काराकस। काराकस इसकी कैपिटल है, ठीक है, और बोलीवर इसकी वो है, जो करेंसी है वो बोलीवर है इसकी। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं पेज नंबर 18 की तरफ। पेज नंबर 18 से भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दो तीन। एक तो ये है बराक ओबामा मिशेल ओबामा की, एक चाइना से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा एक न्यूज़ और थी, वो भी देख लेते हैं। हाँ, ये रही, ठीक है, ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है इसके बारे में। तो सबसे पहले तीनों में से यही देख लेते हैं। एक स्कीम है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। अब देखिए, अक्सर बच्चे मेरे को बोलते हैं कि नई स्कीम्स के बारे में पूछते हैं, नए स्कीम का वीडियो बनाएं सर, PIB प्रीफर करते हैं, PIB के वीडियोज़ के लिए बोलते हैं जो UPSC के एस्पिरेंट है। तो गाइस देखिए, मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ, पहले भी मैंने बोली है कि सरकार कोई सा भी इनिशिएटिव या कोई सी भी स्कीम लॉन्च करती है तो उसका एडवर्टीजमेंट ज़रूर देती है न्यूज़पेपर में। तो अगर हम एडवर्टीजमेंट को यहीं पे ही कवर करते हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अलग से कुछ भी करने की। ठीक है, एडवर्टीजमेंट को अवॉइड नहीं करना है, जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है उसको कवर भी करना है। तो प्रधानमंत्री जो वाया वंदना योजना है ना, ये एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है। ठीक है, इसमें दो तरीके के हैं, या आप 1,000 रुपये पर मंथ प्रीमियम ले सकते हैं, 10,000 रुपये पर मंथ, और आपको क्या मिलेगा बाद में इससे लेकर पेंशन मिलेगी, मतलब सीनियर सिटीजन्स के लिए है बेसिकली है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मंथली पेंशन के लिए है, और इसमें 8% तो मिनिमम 8 से 8.30 तक मिनिमम जो वो है इंटरेस्ट है वो देने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि बराक ओबामा और मिशेल ओबामा ने एक मल्टी ईयर का एक एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ में, नेटफ्लिक्स के साथ में। नेटफ्लिक्स आपको पता है ना, जैसे कि भारत में हॉटस्टार है तो वो नेटफ्लिक्स से ही कॉपी किया गया है। ठीक है, यहीं से ही कॉपी किया गया है। तो नेटफ्लिक्स से बराक ओबामा मिशेल ओबामा ने साइन करी है, मल्टी ईयर एग्रीमेंट साइन किया है कि वो इनके लिए क्या बनाएंगे, फिल्म्स और सीरीज़ बनाएंगे। फिल्म्स और सीरीज़ है जो कि यहाँ पे बनाएंगे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लीडिंग इंटरनेट एंटरटेनमेंट सर्विस चैनल है एक तरीके का। तो ये इनके लिए अब ये सब काम करेंगे, तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और आपसे पेपर में पूछा जा सकता है इसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा चाइना ने एक नई सैटेलाइट लॉन्च करी है ताकि वो जो सन, जो मून है ना, उसका जो डार्क साइड होता है भाई, एक साइड तो सन की लाइट पड़ती है तो वो तो ब्राइट साइड हो जाता है, लेकिन एक डार्क साइड भी होती है पीछे वाले मून की। तो जो मून की डार्क साइड है ना, उसके बारे में पता करने के लिए जिस चाइना ने लॉन्च किया है एक सैटेलाइट। ठीक है, तो फार साइड बोलते हैं इसको, दूरी वाली जो साइड है ना, जिसको डार्क साइड भी बोलते हैं इसको, तो उसके बारे में पता करने के लिए भेजा है। और ये पहला ऐसा मिशन होगा, फर्स्ट कंट्री होगा जो कि इस तरीके का मतलब वो करेगा, डार्क साइड के ऊपर रिसर्च करेगा। ठीक है, तो ये आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। सैटेलाइट का नाम भी मैं लिख देता हूँ, उसका नाम है ठीक है, क्योक्यो नाम से सैटेलाइट है, और उसको मैगपी ब्रिज भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है मैगपाई ब्रिज, ये भी इसका नाम है। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने, पेपर में आपसे इसमें से भी पूछा जा सकता है कि ये जो मैगपाई ब्रिज है ये किसके द्वारा लॉन्च करी गया है। तो ये चाइना के सैटेलाइट, चाइना ने इसको भेजा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की थी। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपके काफ़ी अपलिफमेंट होगा इन सभी करंट अफेयर से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर हमेशा की तरह करते रहें। गाइज, हमेशा की तरह मैं आपको 5 क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ, उम्मीद है आप इन्हें सही पिक करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश क्रिएट हिस्ट्री बाय बिकमिंग द लास्ट ऑफ द 8 ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टू बी द इंडियन कमर्शियल फ्लाइट सर्विस मैप। तो भारत के वाणिज्य उड़ान सेवा मानचित्र पर होने वाले 8 पूर्वांतर राज्यों में से अंतिम बनकर इतिहास कौन बनाता है, यह आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो निफा वायरस है ये पहली बार दुनिया में कहाँ पे मिला था। अगला है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, ये कौन से राज्य ने इसको लॉन्च किया था फार्मर की मदद करने के लिए। अगला है कि हाल ही में महात्मा अवैधनाथ स्टेडियम किस राज्य में खोला गया है, यह आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वाया योजना कौन से लोगों के लिए स्टार्ट करी गई है, कौन सी जो वाया वंदना योजना है ना, वो किन लोगों के लिए स्टार्ट करी गई है, ये आपके 5 क्वेश्चन। तो इस तरीके से गाइस पढ़ते रहिए, अपनी नॉलेज को, GK को इम्प्रूव करते रहिए, जितना स्मार्टली पढ़ेंगे उतना ही आगे जाएंगे। ठीक है, नॉलेज बहुत है लेने को, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को तो ग्रो करें एज ए करंट अफेयर के साथ में GK को भी रिलेट करके, लेकिन साथ में वो चीज़ें पढ़ें जो कि वाकई में पेपर में पूछी जाती हैं।
ठीक है, आने वाले 2-4 महीने में देखेंगे जो भी आप पेपर देंगे उसमें से करंट अफेयर आपको पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। इस तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। 5 मिनट में आपकी वोकैबुलरी क्लास भी आने वाली है, साथ में सुबह 6 बजे वाले जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल देखिए, और साथ में 7 बजे जो एडिटोरियल होता है उसको भी बिल्कुल मत छोड़िए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये आपके जीके के लिए। और साथ में इंजीनियरिंग क्लासेस भी आप रेफर कर सकते हैं, मैकेनिकल और सिविल की आपके दोस्तों के लिए चलाई गई है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।